नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में चुनावी शोर अब थम चुका है। एमपी में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। बता दें 230 सीटों के लिए खत्म हो चुका है प्रचार। 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है। 2534 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा। बुद्धि से मैदान में है सीएम शिवराज। छिंदवाड़ा से कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। 3 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला होगा कैद 17 नवंबर को और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। ये बता दें आपको, एमपी में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था। दिग्गज लगातार जोर लगाए हुए थे, तरह तरह की जनसभाएं कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे। अब जो है चुनाव प्रचार थम चुका है और अब बारी है डोर टू डोर कैंपेन की। 230 सीटों के लिए खत्म हुआ है प्रचार। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसके लिए अब चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। तो चुनाव प्रचार अब थम चुका है चुनाव प्रचार और अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है। आखिर क्या स्थिति है, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम देखेंगे, सहयोगियों से जानेंगे। वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए, मिथिलेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं दुर्ग से, इंदौर से भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मिथिलेश गुप्ता इंदौर से जुड़े हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़े हैं, पवन पटेल जबलपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु चौरे, अब तक तो दिग्गजों ने खूब जोर लगाया, खूब सभाएं की, जनसभाएं की, रैलियां की, पर अब प्रचार प्रसार का वक्त खत्म हो चुका है, थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन की बारी। निश्चित तौर पर देखिए, मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के, मध्यप्रदेश के नेताओं के लिए तो ठीक है, केंद्र के नेताओं के लिए भी कहीं ना कहीं साख का सवाल रहा है। क्योंकि आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर अश्विनी वैष्णव हो, भूपेंद्र सिंह हो, ये तमाम बड़े नाम मध्यप्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार प्रसार की कमान संभाले रहे, स्ट्रैटेजी में लगातार इन्होंने काम किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री आनंद शर्मा जैसे बड़े नाम जो हैं वो लगातार प्रदेश में स्ट्रेटजी हो, कसावट हो, ये सारे काम करते हुए नजर आए। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेताओं ने अंतिम दो दिन तक पूरी ताकत झोंकने का काम किया। कमलनाथ का शो जो है वो लगातार एमपी के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा सीटों में देखने को मिला। दिग्विजय सिंह इंटरनल तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने में, संगठन को मजबूत करने में, उन सीटों पर फोकस करने में नजर आया जहां पर कांग्रेस को बीते चुनावों में हार मिली थी। इसके अलावा सुरेश पचौरी, अरुण यादव, तमाम अन्य नेताओं, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है और अब इन दोनों ही दलों की ये जो कितनी जो पूरी मेहनत हुई है, ये कितना रंग लाएगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 17 तारीख को जनता जनार्दन इन तमाम नेताओं के और तमाम प्रत्याशियों के भाग का फैसला करने का काम करेगी। लेकिन अब जो 48 घंटे हैं ये बेहद जो है महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग के लिए भी इस दौरान बड़ी चुनौती होगी, पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी और प्रत्याशी और पार्टियों के सामने ये चुनौती होगी कि अब कैसे घर घर पहुंचा जाए, एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जाए, बल्क वोटर्स पर किस तरीके से फोकस किया जाए, विभिन्न सामाजिक संगठनों से इस दौरान जो मेल मुलाकात का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो अब ये जो चुनाव प्रचार का एक डोर टू डोर कैंपेन वाला पार्ट है वो शुरू हो जाएगा और वो उसका एक लंबा सिलसिला जो है वो चलेगा। मध्यप्रदेश में इस पूरे चुनाव के दौरान आप देखिए, दीपावली का एक बड़ा त्यौहार बीता, नवरात्रि का एक बड़ा त्यौहार बीता, लेकिन इस सबके बीच अपने अपने तरीके से नेताओं ने जन जन तक पहुंचने का काम किया है और किसकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, जनता के भरोसे पर कौन खरा उतरेगा, अब ये जरूर देखने वाली बात होगी। और एक लंबा जो प्रचार अभियान चला है उसका शोर जो है वो जरूर आज थम गया है। अब आपको बड़ी बड़ी रैलियां नजर नहीं आएंगी, लाउड स्पीकर्स पे होता हुआ प्रचार प्रसार नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ अब बहुत ज्यादा काम होगा तो वो स्ट्रैटेजी पे होगा। पार्टियां प्रत्याशी इस बात की तैयारी करेंगे कि कैसे मतदान वाले दिन यानी कि 17 नवंबर को सिर्फ एक दिन मध्यप्रदेश में एक साथ मतदान होना है तो कैसे लोगों को घर से मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रेरित किया जाए और ये भी देखा जाए कि हमारे पक्ष में मतदान हो उसके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए। वहीं चुनाव आयोग और पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने ये चुनौती होगी कि ये आखिरी एक दो दिन जो होते हैं इसी दौरान सबसे ज्यादा फ्री बीज बटती है, पैसे बटने के जो मामले वो सामने आते हैं, शराब बटने के जो मामले वो सामने आते हैं, तो इसको किस तरीके से रोका जाए, लड़ाई झगड़े दंगे ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमीशन का हो जाता है और पुलिस और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस का हो जाता है। तो ये जो
दो दिन है मध्यप्रदेश की सत्ता के लिए, मध्यप्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी बहुत ज्यादा कामयाब, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो रहने वाले हैं। और इसमें जो स्ट्रैटेजिकली लीड करेगा वो इस पूरे कैंपेन में, पूरे इलेक्शन में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकता है। अब बंद कमरों में जो बैठकों का सिलसिला है, स्ट्रैटेजी बनाने का सिलसिला है, वो शुरू जरूर होता हुआ दिखाई देगा। जी ऋतु, ठीक, लौटेंगे आपके पास वासु। इंदौर का रुख कर लेते हैं, बड़ी सीट है, विजयवर्गीय यहां से मैदान में है और यहां पर टक्कर का मुकाबला भी है। आखिर मिथिलेश किस तरह से आप देखते हैं? आप तो देखिए बहुत कम समय बचा है, 48 घंटे अब बचे हैं, 48 घंटे से भी शायद कम का वक्त बचा है। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव आयोग की तैयारी हम देखें, प्रशासन की तैयारी हम देखें, और अगर डोर टू डोर कैंपेन की बात है तो आखिर किस तरह से मैदान में उतरेंगे ये दिग्गज और कैसे लोगों के पास जाएंगे और कब जाएंगे? देखिए सबसे पहले मैं आपको चुनाव के तैयारियों की तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त नेहरू स्टेडियम मौजूद हूं। और देखिए इस बार कॉर्पोरेट कल्चर में नजर आएगा आपको ये व्यवस्थाएं सारी जो हैं अलग अलग सेक्टर वाइज यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइन लगाई गई, यानी व्यवस्थाएं जो की गई। और इंदौर कलेक्टर जो है इलैया राजा टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उन्हीं से सीधा बात करेंगे। सर, चुनाव को लेकर इस बार क्या कुछ खास तैयारी की गई है? सी, अभी हम लोग नेहरू स्टेडियम में हैं, यहां इना सामग्री वितरण इना कल सुबह से होना है। हमारी पूरी तैयारी इना पूरा हो चुका है। मतदान दल है ना मॉर्निंग आएंगे, जैसे आएंगे उनको है ना विधानसभा वाइज ऑलरेडी उनका ड्यूटी अलॉटेड है, उनका है ना मतदान केंद्र कौन सी मतदान केंद्र में जाना है कल मॉर्निंग है ना सुबह उनको पता चलेगा। उसी हिसाब से हर मतदान केंद्र को हम लोग ने एक सेपरेट टेबल दिया गया है, एक है ना पूरी सेक्टर को है ना हम लोग ने विभाजित किया गया है, पूरी 9 विधानसभा को डिफरेंट कलर कोडिंग स्कीम्स भी किया गया है, एक त्यौहार को माहौल भी देने के लिए कोशिश किया है। इस बार हमारा थीम भी है इंदौर है ना मनेगा वोटिंग का त्यौहार। हम इंदौर में अभी हम लोग नवरात्रि दीपावली सेलिब्रेट किए हैं, हम पूरी है ना जनता है ना त्यौहार का मूड में है, सो हम लोग मतदान को भी एक फेस्टिव मूड पे ले जाने के लिए कोशिश किए हैं। हमारे अर्बन आपत्ति के कारण वोटर टर्नआउट कम होता है, बट लास्ट 6 ईयर से कंटिन्यूसली हम लोग क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड है ना जीत रहे हैं, स्मार्ट सिटी बेस्ट स्मार्ट सिटी है। हम लोग इस बार मतदान में भी है ना भारत के लिए एक आदर्श शहर है ना बनाने के लिए दिशा में ना हम लोग ने काम करेंगे। आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि 17 नवंबर को 7 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हमारी है ना 13 ऐसा आईडी कार्ड्स है, इट्स वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका है ना बैंक और पोस्ट ऑफिस का ना फोटो युक्त है ना पासबुक है, पासपोर्ट है, दिव्यांग को यूडी आईडी कार्ड है, इस प्रकार 13 आईडी कार्ड के माध्यम से आप लोग है ना आपके मतदान केंद्र में जाके मतदान। प्रचार प्रसार थम चुका है, अब ये 2 दिन काफी खास होंगे क्योंकि इसमें फ्री की चीजें काफी बांटी जाती हैं, शराब हो गया, साड़ियां हो गई, तमाम अलग अलग चीज बांटी जाती हैं। कानून व्यवस्थाओं पे कैसी नजर रहेगी क्या? और जो अब प्रचार प्रसार थम चुका है, सभाएं कहीं अलग अलग जाओगी, कैसे नजर रखेंगे आप लोग? निश्चित ही ना सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है चुनाव के लिए, 48 आवर्स के पहले का हम लोगों ने एक 144 ऑर्डर हम लोगों ने जारी किए हैं। आज 6 बजे के बाद ना कोई भी सभा और जुलूस ना नहीं हो सकता है, कितने भी लोग ना मतदाता नहीं है और डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने के लिए भी ना ऑर्डर ना जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ है ना कल से जन संपर्क के माध्यम से घर घर जाके ना पॉलिटिकल पार्टी से ना कर सकेंगे। सिंस कल से जैसे आपने कहा है कि ना फ्रीबीज या डिस्ट्रीब्यूशन की लगातार है ना कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही है, हमारा ऑलरेडी 27 फ्लाइंग स्क्वाड था, अभी हम लोग ने 9 और है ना हर विधानसभा में फ्लाइंग स्क्वाड से ना बढ़ाए हैं। कहाँ है ना कुछ विधानसभा क्षेत्र है कहाँ ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है वहाँ है ना ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड से ना हम लोग है ना करा रहे हैं। हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो भी है ना मतलब लगातार है ना मतलब वाहन व्हीकल चेकिंग करा रहा है। हमारे पुलिस की ना चेक पोस्ट है, बॉर्डर चेक पोस्ट है, वो भी है ना फंक्शनल है। हमारी अपहारी के लिए अलग से फ्लाइंग स्क्वाड है, वो लगातार है ना लिकर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी नजर बना के रखे हैं। अभी तक हम लोग 3.64 करोड़ का ना लिकर को हम लोग मिथिलेश हमारी फ्लाइंग स्क्वाड ने 1 करोड़ नकद का भी ना सीज किया गया है, तो लगातार है ना ये ऑन है। ठीक मिथिलेश, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। ग्वालियर का चंबल का रुख कर लेते हैं, आखिर वहां पर कैसी लहर चल रही है, वहां पर कैसी हवा चल रही है? सुशील आखिर क्या स्थिति ग्वालियर की? अब तो देखिए चुनाव प्रचार का दौर भी खत्म हो चुका, थम चुका चुनाव प्रचार, अब डोर टू डोर कैंपेन की बारी है, यहां पर दिग्गजों की साख दाव पर लगी है, आखिर कैसी स्थिति बनते देख रहे हैं? प्रशासन कितना सक्रिय है, चुनाव आयोग कितना सक्रिय है, कैसी तैयारियां हैं, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल का अगर कहें तो मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहा जाता है, यहाँ कुल 34 सीटें हैं, इस वक्त 17 बीजेपी और 17 कांग्रेस के कब्जे में है। इस बार भी अगर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में मध्य प्रदेश के 6 मंत्री, 6 पूर्व मंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद यह पहला विधानसभा का आम चुनाव है जिसमें उनकी भी एक तरह से परीक्षा होगी कि भाजपा में आने के बाद उनका चेहरा कितना करिश्माई साबित होता है,
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान समिति के संयोजक भी है, उनकी दाव साख पर लगी है। खुद वो दिल्ली सीट से मैदान में। इसके अलावा अगर मंत्रियों की बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर है, इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रजेंद्र सिंह यादव, इसके साथ ही सुरेश राठखेड़ा और तमाम करीब 6 मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल में है, वो चुनाव में है। इसके अलावा 6 पूर्व मंत्री है। 34 सीटों का जो गणित है उसके लिए यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ ही बीएसएफ की जो कंपनियां है वो तैनात की गई है। ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ 8000 कर्मचारी चुनाव के लिए तैनात किए गए हैं, 4000 से ज्यादा बल यहाँ पुलिस फोर्स का रहेगा। इसके साथ ही बीएसएफ की 21 कंपनियां ग्वालियर में तैनात रहेगी ताकि यहाँ जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ शांति से मतदान हुआ जा सके। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ बड़े नेताओं की साग दाव पर है और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस पहली बार बरसों बाद सिंधिया परिवार के बिना अकेली चुनाव मैदान में लड़ेगी। तो कांग्रेस के लिए भी एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा कि बिना सिंधिया के कांग्रेस यहाँ कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस अंचल में अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से राघोगढ़ सीट पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह है, तो ग्वालियर जिले की भीतरवार सीट पर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव है। तमाम जो बड़े चेहरे कांग्रेस के, चाहे शिवपुरी से केपी सिंह है, इसके अलावा लाहौर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है, और भी जो बड़े बड़े लीडर है कांग्रेस के उनकी भी यहाँ प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। उन्हें न सिर्फ अपनी सीटें जीतना है बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 का जो सिनेरियो था जिसमें 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी 7 सीटों पर सिमट गई थी और एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी, तो कांग्रेस के लिए भी दबाव है कि 2018 का प्रदर्शन करे और सिंधिया के बिना किस तरह का प्रदर्शन वो कर पाएगी। तो ये सब है। इसके बीच प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। पूरे जो जिले के बाहरी नाके हैं वो सील किए जा चुके हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको जिले से बाहर किया जा रहा है, साथ ही बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको भी प्रवेश एक तरह से बंद है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ग्वालियर चंबल अंचल का जो रण है उसमें अब कुछ ही घंटे बाकी और कल का दिन प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क का दिन रहेगा। तो निश्चित तौर पर सुशील लगातार बने रहिए। जबलपुर का रुख करते हैं, पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन पटेल, आखिर संस्कार धानी के क्या हाल हैं, कैसी लहर वहां पर है? देखिए चुनावी तैयारियां तो दिग्गजों ने कर ली, मैदानी तैयारी आखिर किस तरह की वहां पर है? चुनाव आयोग ने किस तरह की तैयारियां की है? प्रशासन की कितनी सक्रियता है बताइए। बिल्कुल रितु, जबलपुर में अगर बात करें प्रशासनिक तैयारियों की तो आज शाम को 5 बजे जो है जिला प्रशासन द्वारा 239 सेक्टर मोबाइल, 20 थाना प्रभारी और 40 राजपत्रित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहर के चप्पे चप्पे पे यानी सभी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर पैनी नजर रखी जाए, किसी भी तरह की फ्रीबीज ना बटने दी जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें, चुनाव प्रचार थम चुका है। 6 बजे जो है बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उन्होंने आखिरी बाइक रैली को संबोधित किया, उसका नेतृत्व किया और अभिलाष पांडे उत्तर मध्य से प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार किया, उनके लिए वोट अपील की। इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जबलपुर में सभी शराब दुकानों को आज शाम 5 बजे से बंद कर दिया गया है और जब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता यानी 48 घंटे, अगले 48 घंटों के लिए पूरी तरह से शराब दुकानें बंद कर दी गई हैं, सील कर दी गई। इस वक्त भी हम जो है मार्केट में खड़े हैं जहां ये शराब दुकान आपको दिखा सकते हैं जिसको सील कर दिया गया है और इसके साथ ही अब शराब जो है जबलपुर में किसी भी दुकान से नहीं बांटी जाएगी। इसके बाद की महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो है प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता समर्थक फ्री जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, मतदाताओं से चर्चा करेंगे, सामाजिक संगठन और क्षेत्रीय लोग के क्षेत्रों में जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ बैठकें करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस, जिला प्रशासन और सीआईएसएफ की 3 टुकड़ियां जबलपुर में तैनात हैं जिसमें हर चप्पे चप्पे पे, चौराहे पे नजर रखी जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले व्यक्ति को जो भी संदिग्ध नजर आता है उनकी जांच की जाती है। जबलपुर की अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं जिसमें वर्तमान में 4-4 पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक रहे हैं। महाकौशल की बात करें तो 38 सीटें यहां पर आती हैं विधानसभा की, जहां पर दिग्गज नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है। कल अमित शाह आए थे, आज सुबह
जो है स्मृति ईरानी ने सिहोरा विधानसभा में प्रचार किया है, तो देखा जाए तो महत्वपूर्ण यह है कि सभी दिग्गजों ने प्रचार किया है। अब परिणाम क्या होगा वो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन कसर किसी ने भी नहीं द्वारा लगाया गया है। हालांकि क्या परिणाम होगा ये तो 3 दिसंबर को सामने आएगा। एक बार फिर से वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, देखिए डोर टू डोर कैंपेन की तो बारी है, जाएंगे भी दिग्गज, मैदान में जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे, वोट की अपील करेंगे मतदाताओं से। पर सीबीएचएम कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखते हैं जहां पर लुभाने की कोशिश बहुत ज्यादा की जाती है मतदाताओं को, तो आखिर कितनी पैनी नजर जो है चुनाव आयोग की इस पर रहेगी और कैसे रहेगी? निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फ्री बीस को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हुई हैं। जब मध्यप्रदेश में इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे थे, इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इस बात की सूचना दी थी कि हम लोगों ने विशेष पुलिस को निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, जिला प्रशासन को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, और इसके अलावा सेंट्रल की फोर्सेज और एजेंसीज को भी मध्यप्रदेश में बुलाया गया है, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है और फ्री बीस रोकने के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने का काम किया गया है। एक स्पेशल ऐप भी इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन किया है। ना सिर्फ ये जरूरी नहीं है ऋतु की कोई सरकार का नुमाइंदा या प्रशासन का नुमाइंदा ही फ्री बीस को पकड़ने का काम करे, अगर कोई आम आदमी भी कहीं पे फ्री बीस पकड़ते हुए बांटते हुए देखता है और उसका एक फोटो लेके या उसकी सिर्फ जानकारी इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा देता है या एक फोटो क्लिक करके जो एक ऐप बनाया इलेक्शन कमीशन की ओर से अगर उसके जरिए भी शिकायत कर देता है तो वहां पर मौके पर जो टीम है फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो पहुंचेगी और वहां पर कार्रवाई करने का काम जो है वो किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का पहला ध्येय यही है कि फ्री फेयर और फियरलेस इलेक्शन मध्यप्रदेश में हो, किसी भी तरीके से कोई प्रलोभन ना दे, किसी भी तरीके से कोई वोटिंग को प्रभावित ना करे, मतदाता को प्रभावित ना करे, ताकि एक सही व्यक्ति चुनकर सदन में पहुंच सके। और इसके लिए लंबी तैयारियां जो है इलेक्शन कमीशन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने भी की है और बहुत ज्यादा किसी भी तरीके से जो स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर भी बहुत जो विशेष सतर्कता बरतने का काम किया गया। हमारे सारे सहयोगी भी अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चाहे इंदौर की बात हो या जबलपुर की, ग्वालियर की बात हो, वहां पे सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स लगातार काम कर रही हैं, जो बीट प्रभारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, उन्हें विशेष तौर पर इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग हर जगह ध्यान रखिए, स्पेशली संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पे ध्यान रखने का काम कीजिए, वहां पे लगातार नजर बनाए रखिए, सतत मॉनिटरिंग कीजिए, ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी कैमरेज के जरिए, इन तमाम तरीकों से जो है वो मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की फ्री बीस ना बटे, और बटती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो एक्शन है, सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होगी। और अब तक जो सेंट्रल की जो फोर्सेस है, जो स्पेशली फोर्सेस बुलाई गई थी, उनका भी मध्यप्रदेश में जो डिप्लॉयमेंट का काम है अलग अलग क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है और पूरी तरीके से अब जो कमान है वो शासन प्रशासन के हाथों में और इलेक्शन कमीशन के हाथों में। इलेक्शन कमीशन के भी जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड के ऑफिसर्स हैं, वो लगातार अपने अपने जो निर्धारित क्षेत्र हैं वहां पर पहुंचने लगे हैं और चप्पे चप्पे पर उनके द्वारा भी नजर रखी जा रही है, निगाहें रखी जा रही हैं। और इसके अलावा जनता से अपील की गई है कि आप एक जागरूक मतदाता होने का, जागरूक नागरिक होने का भी फर्ज निभाएं, अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसे शिकायत करें। जी ठीक, लौटेंगे आपके पास। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब डोर टू डोर कैंपेन की जैसे शुरुआत हो चुकी है तो आखिर कितने बजे से लेकर ये डोर टू डोर कैंपेन कितने बजे से कितने बजे तक चल सकेगा, इसकी प्रोसेस क्या होगी, कैसे लोगों के पास जा सकेंगे, क्या कर सकेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, और देखिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात किया जाए तो डोर टू डोर कैंपेन 6 बजे से लेकर ये शुरू कर सकते हैं और देर रात के कैंपेनिंग किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो निर्धारित है, निर्धारित संख्या के साथ ही आप इस कैंपेनिंग कर सकते हैं। और इंदौर कलेक्टर इस वक्त नेहरू स्टेडियम मौजूद है और ये सीधा सवाल उन्हीं से पूछेंगे। सर, अगर एक सवाल है कि अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो चुका है, टाइमिंग क्या रहेगी सर, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, कितनी संख्या के साथ में जनसभा कर सकते हैं बिना माइक के? नहीं, सभा और जुलूस तो डेफिनेटली पूर्व रूप से प्रतिबंधित है, कोई भी सभा नहीं कर सकते हैं, प्रोसेशन नहीं हो सकती है, जुलूस नहीं हो सकती है। आप इन्हें घर घर जाकर इन्हें संपर्क कर सकते हैं, कम से कम इन्हें संख्या में इन्हें होना चाहिए, मतलब कोई भी जुलूस और प्रोसेशन की है ना, मतलब इन्हें रूप में नहीं होना चाहिए। एंड आचार संहिता का बिल्कुल इन्हें पूर्णता पालन करना चाहिए। एंड रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में तो बिल्कुल भी है ना, इवन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इन्हें प्रचार इन्हें नहीं करना चाहिए। टाइमिंग को लेकर चल रहा है सर कि क्या देर रात तक 10 बजे के बाद भी क्या जो प्रत्याशी हैं घर 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 जाके कर सकते हैं ना? आचार संहिता का क्लियर कट है ना, वायलेशन होगा कि आपको रात को 10 बजे के बाद है ना हमको बिल्कुल मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ना प्रचार प्रसार है ना नहीं होना चाहिए, साइलेंट जोन है ना, साइलेंट पीरियड है, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग कुछ कार्यकर्ताओं के साथ या किसी गार्डन बैठकर सभा,
ठीक, आप अपनी बातचीत लगातार जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब जो है चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सहयोगियों ने जानकारी भी दी कि किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन होगा। और रात को 10 बजे के बाद किसी तरह का डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो सकेगा। कलेक्टर साहब ने भी ये जानकारी दी है। आखिर किस तरह से प्रशासन नजर बनाए हुए है कि मतदाताओं को ना लुभा सके लोग, ना फंसा सके, ना परेशान कर सके। तो फियरलेस चुनाव पर जोर दिया जा रहा है और इसी तरह की तैयारी जो है प्रशासन की ओर से की गई है कि अच्छे से ये इलेक्शन हो सके, वोटिंग हो सके और तैयारियां तमाम है। बस अब कुछ और समय का इंतजार है, कल का पूरा दिन है, उसके बाद वोटिंग होगी। परसों सुबह वोटिंग की शुरुआत होगी, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं।